अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। खारघर में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भक्तों की उमड़ी भीड़, धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट का आयोजन। धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा खारघर सेक्टर 12 में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा भक्तों की भीड़ से सराबोर होने लगा है। यहां आचार्य चंद्रभूषण पांडे और राजेश पंडित के प्रवचन और कीर्तन को सुनने के लिए यहां प्रतिदिन राम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महायज्ञ के संयोजक और ट्रस्ट के सदस्य विष्णु शुक्ला ने आनंद व्यक्त करते हुए भक्ति भावित जनों से उत्सव में सहयोग करने का आह्वान किया है। धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट 2010 से प्रति साल यज्ञ कराते हुए आ रही है। हर साल नया नया यज्ञ होता है, 9 दिन का कार्यक्रम होता है। शुरुआत कलश यात्रा से शुरू होती है, शोभा यात्रा भी होती है, फिर 108 कन्याओं का पूजन, 108 माताओं की पूजन, उनके द्वारा महाआरती, माता की चौकी, 9 वेदी, आपने देखा होगा 9 वेदी के 9 कुंड होते हैं, 5 कुंड होते हैं, और सभी प्रकार के लोग प्रतिदिन यहाँ पे हवन होता है। 300 से 400 लोग प्रतिदिन हवन में बैठते हैं और शाम को 1000 से ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ आती है और सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ लाभ ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आपका 15 तारीख से चल रहा है। धर्म साधना का उद्देश्य मानव मात्र को सही दिशा देना है। आज की बिगड़ी परिस्थिति जिस महानगरी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से जो अश्लीलता का वातावरण पूरे विश्व को दिया जा रहा है, उसको मिटाने के लिए कि ऐसा आलंकन वाली महानगरी क्यों लगे, और हमारी जो ऋषियों की परंपरा रही है, वो परंपरा हमारी अक्षुण रहे, उस परंपरा को कायम रखने के लिए धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया करता है। हमने ये कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू किया है, आज 20 तारीख छठवां दिन है कार्यक्रम का। हम यज्ञ भी कर रहे हैं और साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं यज्ञ क्या है। इदम न मम, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, यज्ञ की मूल भावना यही है। वहीं पंडित रामकुणाल शुक्ला ने यज्ञाचार्य और कथावाचक आचार्य के सानिध्य में 23 जनवरी तक चलने वाले इस कथा उत्सव में श्री राम के जीवन आदर्शों को घर घर पहुंचाने के लिए ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर श्रद्धालुओं से लाभ उठाने की अपील की है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही भरण पोषण करने का तरीका है, और इस सृष्टि को बचाना है तो यज्ञ करना अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ से ओज परत बनता है और ओज परत से ही सृष्टि का संरक्षण होता है, और ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा से, एक एनर्जी से प्रकट हुई है, वो एनर्जी यज्ञ से प्रकट होती है। भगवान राम का भी जन्म यज्ञ से हुआ है, और यज्ञ करने से ये हमारे हिंदू सनातन धर्म, वैदिक धर्म जो है, सृष्टि और प्रकृति का साथ देती है, संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, वो यज्ञ से प्राप्त होता है। यज्ञ जितना होगा उतना ही सृष्टि का देवत्व स्थापित होगा। देवत्व का मतलब होता है परोपकार करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। जो परोपकार करता है वही धर्म है। परोपकार का मतलब होता है दूसरे की तरफ सेवा करना, सेवा ही परमो धर्मा। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट धर्म साधना जो कार्यक्रम कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, करता रहे, मैं चाहता हूँ इसी तरह जनता जनार्दन का साथ मिलता रहे और आप लोगों का साथ मिलता रहे, तो कि जनता जनार्दन तक आप पहुँचाते हैं संदेश को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खारघर के पावन पवित्र भूमि है, जो कि इस शहर में पहली बार लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ हो रहा है। यह खारघर के जो रहवासी हैं उनकी पवित्र आत्मा है, और जो है भगवान लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में जो है चार प्रकार के जो है आप जो शरीर है पवित्र होती है,
और धर्म साधना चीट के माध्यम से लक्ष्मीनारायण भगवान का यज्ञ हो रहा है। और ये जो है बहुत पवित्र आत्मा है जो धर्म साधना में कार्य करता है, मैं तो अपनी आत्मा से उनको आशीर्वाद देता हूँ और जो है भगवान करें उनका जो है हर कार्य सिद्ध हो या लक्ष्मीनारायण भगवान का यज्ञ सफल बने। और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ भगवान ये यज्ञ को संपन्न कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।